जय गुरु। चलिए आज पूजनीय बाबा जी ने बोले हुए स्पीच का कुछ अंश आलोचना करेंगे। पूजनीय बाबा जी बोले, जंगल में एक जादूगज था कल्पतरु। उस कल्पतरु की छाया में जो भी बैठता था, मन में जो भी सोचता था, वो पूर्ण हो जाता था। अब एक पथिक थके थकाए उस गाछ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद उसे बहुत भूख लगी थी। वो सोचने लगा, यदि थोड़ा सा खाना मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। जैसे ही सोचा वैसे ही खाना तुरंत आ गया। वो जब खा लिया तो पेट भर गया। तब सोचने लगा, एक बिस्तर होने से थोड़ा लेट लेते तो थोड़ा आराम हो जाता। जैसे ही सोचा बिस्तर हाजिर हो गया। सोने के समय सोचने लगा, अरे इस गाछ के नीचे जो भी मैं सोचता हूँ वही तो पूरा हो रहा है, तो इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं ये मनुष्य को मार तो नहीं देगा। जैसे ही यह सोचा वैसे ही एक भूत आकर उसका गर्दन मोड़कर मार दिया। यदि मेरी बात सुनकर भगवान चलते तो मेरा भी हाल ऐसा ही होता। हमने सोचा, हे भगवान, हे ठाकुर, मेरा बेटा बहुत धनी बहुत अमीर बने। अब दिन भर माँ बापा रोता है, बेटा हम लोग को छोड़कर चला गया अमेरिका। अरे मूर्ख, तूने ही तो प्रार्थना किया था बेटा धनी बने अमीर बने। तू तो नहीं बोला था बेटा माँ बाप को लेकर धनी बने। अब भगवान को क्यों कोसता है? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, इन सब से मेरा क्या संबंध है? स्वार्थ का क्या संबंध होता है? स्वार्थ से संयुक्त जो प्रार्थना है उसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। जो सकाम प्रार्थना है उसे ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी स्वार्थ की प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं यदि दूसरे के लिए प्रार्थना करूँगा, भाई के लिए प्रार्थना करूँगा, बहन के लिए प्रार्थना करूँगा, तो ये है निष्काम प्रार्थना, क्योंकि उन लोग के साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं है। मैं काम करूँगा, फल की आशा नहीं रखूँगा। मेरे सामाजिक जो बंधन है ये भी मेरे लिए निष्काम प्रार्थना है। यह निष्काम ही रास्ता है भगवान तक बात पहुंचने का। जय गुरु।